कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं जिससे पावर पफ गर्ल्स बनते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं जिससे रोहित जैसे बैट्समैन बनते हैं, और कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं भाई साहब जिससे सिर्फ चूतिया बनते हैं। इंटरनेट पे या तो आजकल एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं या फिर MMS चल रहे हैं, और बहुत सी जगह तो दोनों एक साथ चल रहे हैं। कोई साइकिल चला के एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो कोई गाना गा के एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कोई साला मैगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है तो कोई आइसक्रीम के साथ खिलवाड़ कर रहा है, कोई सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ कर रहा है तो कोई और डेमोक्रेसी के साथ ही खिलवाड़ कर रहा है, और एक हमें ले दे के अपने करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पर मेरे करियर से भी गजब को एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो वो है ये हमारे भाविक भाई। 1 महीना लेट मैंने इनको डिस्कवर करा, और अगले 5 पॉइंट में मैं इनकी 5 सबसे महान आविष्कारों को डिस्कस करूंगा। वो ऐसा क्योंकि आई एम जैन एंड यू आर वॉचिंग। तो सबसे पहले थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं इस पूरी कहानी के कॉन्टेक्स्ट की। ये पूरी की पूरी कहानी आधारित है हमारी भाविक एक्सपेरिमेंट ऑफिशियल के प्रोपराइटर श्री भाविक जी पे। इनकी सिलिकॉन वैली है घोर बंदर महाराष्ट्र में, जहां बैठ बैठ के उन चीज़ों का आविष्कार करते हैं जिनका पहले से आविष्कार हो चुका होता है, या फिर उन चीज़ों का आविष्कार करते हैं जिनकी किसी को ज़रूरत नहीं है। लोग यूजली प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालते हैं, ये पहले प्रॉब्लम बनाते हैं उसके बाद उसका सोल्यूशन निकालते हैं। मॉडर्न सॉल्यूशंस रिक्वायर मॉडर्न प्रॉब्लम्स। इनको वहां वर्कशॉप में बैठे बैठे अपने एक्सपेरिमेंट का सारा सामान मिल जाता है, बस एक चीज नहीं मिलती, अच्छी सलाह। क्या पता मिलती हो, लेते नहीं हो हमारी तरह। खैर, अगले 5 पॉइंट में इनके सबसे जंपर फाड़ 5 एक्सपेरिमेंट आप लोगों के सामने शेयर करूंगा, और एंड तक देखिएगा बिकॉज सबसे बढ़िया वाला मैंने एंड तक डाल रखा है, समझदार हो गया हो ना इसलिए। नंबर 5 पर आती है उनकी बेतुकी ऑटोमेटिक फेंटा डिस्पेंसर। इस मशीन का पॉइंट ये है कि आपको ऑटोमेटिकली फेंटा निकाल के दे देगी, आपको बार बार ढक्कन खोलने की बोतल टेढ़ी करने जैसी बड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और इससे पर ग्लास आपका 2.5 सेकंड बचेगा। अब 2.5 सेकंड कोई छोटी बात नहीं होती, पूरे साल का देखो, मान लो तुमने 80 गिलास फेंटा भी निकाल ली इससे, तो पर ग्लास 2 सेकंड बचाकर तुमने साल के 40 सेकंड बचाए। एक और रील देख सकते हो तुम पूनम पांडे कितनी देर में। इसके अलावा गाइस कुछ ज्यादा फायदा तुम्हें दिख नहीं रहा, बस इतना फायदा है कि जो अच्छी भली बोतल पे इन्होंने सर्जरी करी है, इसके बाद तुम्हारी मम्मी बोतल भरने को नहीं बोलेंगी, सीधा कूड़े के डब्बे में डालेंगी इसे। लेकिन एक फायदा हो रहा है, जिस स्पीड से इरिगेशन सिस्टम फेंटा निकाल रहा है, कोई बहुत ही बड़ा बेशरम का 14 होगा जो एक गिलास भरने के बाद दूसरा गिलास भी इससे भरे। मैं तो कह रहा हूँ वर्ल्ड कप के मैचेस में इसे लगा दो, एक गिलास भरने से पहले नेदरलैंड्स की टीम ऑल आउट हो जाएगी। अबे जितनी देर में एक गिलास फेंटा भरेगा उतनी देर में तो पुनीत सुपरसाद 3 रीलें डाल देता है। इस पूरे रील की मुझे सिर्फ एक यूटिलिटी दिख रही है, बच्चों को कलर सिखा सकते हैं इससे, रेड येलो ग्रीन ऑरेंज ब्लू। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 गाइस, ये ऑटोमेटिक कैची। ये गाइस बार बार लोगों का ChatGPT है, बार बार लोग कह रहे हैं सुनील शेट्टी के गाने और बजा दो, हम सारे नोवा के प्रोडक्ट फेंक देंगे उठा के, यही खरीद लेंगे। ये एक्सपेरिमेंट देख के मेरी मम्मी रोने लगी, मैंने कहा क्या बात हो गई, कह रही कुछ नहीं तुम्हारी चाची की याद आ गई, उसकी भी साली की जबान ऐसी कैची की तरह तेज चलती थी। मैंने अपने दोस्तों को दिखाया, वो भी रोने लग गए, मैंने कहा क्या बात हो गई, कहते कुछ नहीं भाई बंदी की याद आ गई, वो भी इसी स्पीड से हमारा काटती थी डेली। अबे एक तो ये अनस्टेबल है, कप कप आती जा रही पूरे समय, मैं तो सोचता था कंधे पे हाथ रख के पूछ लो कांप का है रही हो, कोई अभी तक छुआ नहीं खा। लेकिन ये ऑटोमेटिक कैची एक जगह जरूर काम आ सकती है भाई साहब, सामूहिक खतने में। अबे उंगली कर करके प्रोजेक्ट बना तो दिया, उंगली कर करके प्रोजेक्ट दिखा तो दिया, अब ये समझाओ भी तो इसको करना क्या है। जो माइकल लाल यहाँ कमेंट्स में आके मुझे बता सकता है जेन्युइनली कि इस कैची का क्या इस्तेमाल है, उसको वर्ल्ड कप की टिकट्स मेरी तरफ से मुफ्त, श्रीलंका वर्सेस नेदरलैंड्स के मैच के, उससे ज्यादा खर्चा थोड़ी करूंगा इस पे, कमाओ नहीं कुछ बांट दूं साला सब। एक्सपेरिमेंट नंबर 3, ये पीकॉक वाइब्रेटर। अबे क्या है ये, क्यों बनाया इसे, कौन इस्तेमाल करेगा इसे, और सबसे बड़ी बात बनाया तो बनाया, इसमें देवा देवा गाना क्यों लगा दिया, वो लगाना चाहिए था ना मारे हिवड़ा में नाचे मोर तक थैया थैया। अबे मेरे भाई इसमें झाड़ू ही लगा देता, कम से कम दिवाली में पंखे तो साफ हो जाते इससे। और ये भाई ने बनाई डेकोरेशन के तौर पे, अबे डेकोरेशन तो छोड़ो तुम लोग, ये तो भाई साहब मेहमानों को भगाने का बढ़िया जुगाड़ है, ये चालू कर दो मेहमानों के सामने, आधे घंटे में चाय उबलने से पहले सारे मेहमान 9, 2, 11। मैं तो सोच रहा था भाई साहब 50-60 रुपए में से खरीदूं, जू ले जाऊं और असली पीकॉक को इसे दिखा दूं, पीकॉक भी बोलेंगे साले हमसे बड़े तो मुर्गे हैं, कम से कम तंदूर में तो जाते हैं, ये तो नहीं देखने को मिलता उन्हें। नंबर 2 पर आता है इनका ये LED बल्ब। वो गाना है ना, आंखें देखी तो मैं देखता रह गया, वैसे सेट होते हैं इनके एक्सपेरिमेंट पे, एक्सपेरिमेंट देखा तो मैं देखता ही रह गया कि होगा कब इसमें कुछ। अब क्या होगा, कब होगा। भाई ने एक बित्ते भर की LED जलाने के लिए कागज में आग लगा दी,
इतनी तो एलईडी से लाइट नहीं है जितनी आग जलाने से आ गई मेरे भाई। और भाई कह रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट है, भाई ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, दिवाली में बालकनी में बिजली लाइट जलाने के लिए पूरे घर में आग लगानी पड़ जाएगी इससे। तो तुम सोल्यूशन इन्वेंट कर रहे हो कि प्रॉब्लम इन्वेंट कर रहे हो? एंड इट्स नॉट इवन लाइक द थॉट दैट मैटर्स, इट्स नॉट इवन सस्टेनेबल। इतनी सी लाइट जलाने के लिए इतनी आग लगानी पड़ रही है, अब ये एलईडी लाइट है कि सरकार है कि आगे चलाने के लिए आग लगानी पड़ जाए। नंबर वन, अब आता है भाई साहब इनकी सबसे बढ़िया जंपड़ फाड़ और सबसे गजब इन्वेंशन, ये क्लोजन हाइबर मशीन। अबे भाई ये बनाने से पहले एक दफा अमेज़न पे चीप अम्ब्रेला सर्च कर लेता, 149 की रंगीन छतरी मिल रही है वहां मजेदार। अबे वो तो सर के साथ साथ कपड़ों को भी सूखा रखती है, क्या बवासीर बना दी, किस काम की है ये? और ये क्या आधा किलो वाली पन्नी चिपकाई है इसमें? इससे बढ़िया तो भाई साहब घूंघट लगा देते, ससुर जी के आते बहू ऑन ऑफ कर लेती, फुल संस्कारी मैक्स। भाई जिस दुनिया में अम्ब्रेला और रेनकोट जैसी चीजें पहले से मौजूद है, वहां ये बनाना वैसे ही है जैसे बिरयानी और नहारी बनाने के बाद थोड़ा सा आलू गोभी बना देना। मतलब ये लेके कोई मार्केट में निकल जाए बंदा पूरा तो भीग के, हाँ बाल नहीं भीगेंगे उसके। ये रील थोड़े समय में वायरल हो जाती भाई साहब, तो एशिया कप के बाद मोहम्मद सिराज यही देते थे श्रीलंका के ग्राउंड स्टाफ को, कहते लगा घूमो तिरपाल लगाने जरूरत नहीं। ये सब मैं देख ही रहा था, इनकी साइन लैंग्वेज समझ ही रहा था, उसके बाद मेरे सामने एक चमत्कार हो गया। सो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है और एक नए प्रोजेक्ट वीडियो में। भाई का मैंने इंस्टाग्राम पे पहली दफा बोलते हुए वीडियो सुना और मेरा दिल बहुत खुश हो गया कि अगला बोल सकता है भाई, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट कौन सा बोल रहे हैं जिसमें जूता हिलने से एनर्जी पैदा होगी? अबे भाई साहब जिस तरह से जूता हिल रहा है ये डिवाइस तो कहीं और फिट हो जाना चाहिए, वहां ज्यादा बढ़िया एनर्जी पैदा होगी। जाके लगा दो इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में, धड़ाधड़ देखो बिजली जाएगी नहीं कभी। बड़ा सीरियस नोट, ये सब हंसी मजाक रोज रोज बनाना अपनी जगह है, इट्स वेरी इजी टू डू ऑल ऑफ दैट। लेकिन जो इंसान कर रहा है जहाँ पर बैठ के कर रहा है वो जेन्युइनली बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ कुछ चीज़ें मजेदार बनाते हैं लेकिन कुछ कुछ चीज़ें एक्चुअली बहुत अब्सर्ड बना देते हैं। बट आई रियली रियली होप दैट ही कंटिन्यूज टू क्रिएट दीज काइंड ऑफ थिंग्स। एक तो हमें कॉन्टेंट मिलता रहेगा, दूसरी तरफ ये भी है कि भाई साहब ये जेन्युइनली शायद इस पूरे एंडेवर में कुछ बढ़िया चीज़ भी इन्वेंट करके दिखा दें। सो फॉर द स्पिरिट, गुड जॉब। मेरे जैसे हेटर्स को सुनो, एक कान से सुनो, एंटरटेन हो, निकाल दो। नो हेट टू एनीबडी बट गुड जॉब भाविक कि आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बनाते रहिए ताकि हम भी ऐसी ऐसी रीलें बनाते रहें। बाकी गाइस अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर जाके जो मैंने बाकी के रोस्ट करे हैं वो भी देखिएगा, कॉमेंट करके अपने ओपिनियन बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को ताकि मैं ऐसा ही वीडियोज और भी लाता रहूँ। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ कुछ नया। You see your tripod there? पीछे से नहीं, यहाँ सामने खड़ी होंगी। जवान ज्यादा बड़े चल रही है तो working my ass off to make sure that Fukre ka review reaches on time.